Greetings to you, brothers and sisters, members of the Lifespring Assembly, and welcome to this hour of Bible study. और भाई और बहनों आप सब जो लाइफ लाइसपिंग असेंबली कलीसिया के सदस्य हैं और इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हैं मैं आप सब का अभिवादन और स्वागत करता हूं इस बाइबल अध्ययन के समय में बट दी स्टडीज आर नॉट ओनली मेंट फॉर मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चर्च और याद रखिए ये बाइबल अध्ययन इस कलीसिया के सदस्यों के लिए सिर्फ नहीं है इट इज फॉर एनी वन हुड लेकिन ये हर एक उस जन के लिए है जो इस बात को चुनता है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनेगा सो वी सेंड फॉर इसलिए बड़ी प्रार्थना के साथ समर्पण के साथ बड़ी भक्ति के साथ हम परमेश्वर के इस वचन को आपकी ओर भेजते हैं इस आशा को रखते हुए कि यह वचन आपके जीवनों में कार्य करेगा और आपसे बात करेगा इट्स जॉय टू है ये फिर से मेरे लिए एक आनंद की बात है कि आज की शाम आप सब इस बाइबल अध्ययन के समय में हमसे जुड़े हैं chapter of first corinthians verses 1 to 12 ऑफ टेंडियंस वर्सेस 1 to 10 और मुझे पूरी आशा है कि आप सबको याद होगा की पहला कुरंथ ही हो दसवा अध्याय पहले वचन से लेकर दसवें वचन तक के हम अपने अध्ययन को समाप्त कर चुके हैं सो अ न्यू टॉपिक इज स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स इलेवन और इसलिए वचन से एक नया संदर्भ एक नया विषय अध्ययन के लिए शुरू होता है so 1 10 11 13. और इसलिए आज की शाम हमारा बाइबल अध्ययन का जो विषय है वो हमने लिया है पहला कुरंथियों दसवा अध्याय और उसके ग्यारहवें वचन से लेकर तेरवे वर्ड टू बिगिन विद और आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने इससे पहले कि हम आगे बढ़े आई रीड इन इंग्लिश बाय हिंदी बाय पास्टर महेंद्र और मैं पहले इसे अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में इस वचन को पढ़ूंगा नाउ थिंग्स एग्जांपल But they were written down for our instruction on whom the end of the ages has come. Therefore, let anyone who thinks that he stands, take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he is not let you. Uh, He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है, मैं स्थिर हूँ। वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, जो मनुष्य के सहने से बाहर है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको और होने दे पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को एंड स्टैंडिंग ग्रेटर to नॉलेज to, to और हमें वो समझ और ज्ञान दे ताकि हम इस प्रकाशन और एक अच्छी समझ को लेकर इस अध्ययन को समझ नहीं पाए है इसरायल और पुराने नियम में अगर इजराइल के जो ऐतिहासिक सत्य हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर अपने अध्ययन को हम देखें अपोसल पॉल नाउ टर्न्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द कोरिंथियंस तब पॉल इस प्रेरित आगे बढ़ते हुए कुरिंथ के विश्वासियों के लिए कैसे उस वचन को प्रभाव में लाना है या कार्य में लाना इस बात को बताता है पॉल सेट्स फोर्थ दीज एग्जांपल्स As actually happened in history. और इन उदाहरणों को इस सामने रखता है जो वास्तविक रूप से इतिहास में हुए हैं और इसलिए भी लिखे गए हैं एक चेतावनी के रूप में ताकि हमें वो चेतावनी मिलने पाए। so Paul's point is this और इसलिए पॉलिस का जो मुख्य बात या संदर्भ है वो ये है Take the warning. उस चेतावनी को सुनिए important. वो बहुत महत्वपूर्ण है take the warning. उस चेतावनी को And the problem with many people today. और ज्यादातर लोगों के साथ आज के दिन समस्या ये They don't take the warning कि वो चेतावनियों को नहीं लेते When हरी के इन और जब तूफान आते हैं on tornadoes, it, uh, a part of the sea. या मान लीजिए कोई बड़ा तूफान एक बड़ा समुद्र के भाग या नदी के भाग के ऊपर आता है a उट और तूफान आएगा और इसलिए जो भी लोग इस क्षेत्र के आस पास रहते हैं कृपया करके इस क्षेत्र को खाली कर दे एंड मेनी पीपुल पीपुल लीव और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और चले जाते हैं बट There are some who perished. लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाश हो जाता है In the past. और जो हम देखते हैं we know में। from the history. और हम इस बात को इतिहास से जानते हैं And why they perished? कि क्यों उनका नाश होता है they refused to take the warning. क्योंकि वो उस चेतावनी को नहीं लेते and their pride and arrogance said, No, I can withstand any tornado. क्योंकि उनका घमंड और उस बात का करने का बात का का करने व्यवहार इस को कहता है है या बताता है कि मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकता and that pride and arrogance comes out of ignorance. और ये घमंड आता है वो उन चेतावनियों को हल्की रीति में लेने के do से। not know the पावर ऑफ अ विंड क्योंकि वो एक तूफान या एक तेजी से आने वाली हवा के सामर्थ्य या शक्ति को नहीं जानते एंड माय फ्रेंड्स दैट्स व्हाट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ टू और यही हमारे मसीही जीवन में भी होता है मेरे भाइयों एंड वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट सो दैट वी एज न्यू टेस्टामेंट इजराइल मे टेक द वार्निंग एंड द सेव और हमारे पास कई सारे उदाहरण पुराने नियम या पुराने नियम में मौजूद इसराइल के जीवन से हैं ताकि हम जो नए नियम में नए इसराइल हैं उन चेतावनियों को समझे उन्हें ले और गलतियां ना दोहराएं देयरफॉर पॉल्स दोहराए और इसलिए पॉलिस का अनुरोध ये है टेक द वार्निंग वार्निंग कि चेतावनियों को इट इज अ गिवन टू द टू द न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स क्योंकि ये चेतावनिया नए नियम के विश्वासियों को दी गई बट व्हाट हैपेंड इज लेकिन होता ये है लास्ट एज और पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री क्यूँकी कई सारे मनुष्य मानवीय इतिहास के अंतिम पल में या अंतिम समय में जी रहे दैट इज ट्रू और यही सत्यक्चुअली स्पेंडिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ द लास्ट डे की हम अंतिम दिनों के अंतिम पलों में अपने समय को बिता रहे ह्यूमन हिस्टोरी इज अबाउट क्योंकि इतिहास का अंत होने वाला फाइनल रेवल्यूशन ऑफ गॉड कि प्रभु येशु मसीह परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन है एंड ही इज द ओनली वे गॉड विल एवर डील विथ वही सिर्फ एक और वही सिर्फ एक ऐसा रास्ता है या जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर मानव के जाति के संग अपने व्यवहार को करेगा टू कम टू द रेस्क्यू और वार्निंग टू बी टू गिव फॉर ह्यूमन बी और इसलिए कोई दूसरा सामर्थ्य नहीं है जो शक्ति नहीं है जो आएगा और मानव जाति को बताएगा या चेतावनी देगा एंड दिसमन हिस्टोरी और ये बात भी मानवीय इतिहास का अंतिम बात है Therefore, और इसलिए ऑल वेड टू वॉन्टेड द बिलीवर्स टू बी स्पिरिचुअली अलर्ट to the dangers of sin और इसलिए पौलुस यह चाहता था कि कुरिन्थ के विश्वासी या विश्वासी उस खतरे से सावधान रहे चेतावनी को लें we it is true that sin has pleasure. और ये सत्य है कि पाप में मजा तो आता है especially certain sins are very pressure uh, giving और खास रीति से कुछ पाप तो है ही ऐसे जो शरीर को बड़ा मजा या लाभ देते हैं बट एट दाइम लाइफ लेकिन उसी समय हमें इस बात को भी समझना है कि बहुत सारे हैं, हम सब को सामना करना पड़ेगा उस पाप की वजह से एंड देयर फोर फॉल वन ऑल फस टू बी फुल अलर्ट स्पिरिचुअली Uh, to the dangers of sin and इसलिए पॉलस यह चाहता है कि आत्मिक रीति से हम सावधानी बरतें सावधान रहें चेतावनियों को लें ताकि आत्मिक रूप में मजबूत हो but the pressure that certain sins provide is very short lived and yet for this short lived pressures people usually do not think or they are not alert to the dangers of sin लेकिन फिर भी लोग इन पापों जो पाप हैं जो कुछ समय थोड़े समय के लिए मजा देते हैं इन पापों के खतरों को चेतावनियों को नहीं समझते और इनमें गिरते हैं। वी मस्ट द वार्निंग एक्सम्पल ऑफ इज़राइल। और इसलिए हमें इसराइल के उदाहरण से सीखना है एंड बिलीवर्स from the same pride as the israelites और कुरंत के विश्वासी भी उसी घमंड की समस्या से जूझ रहे थे जो इजराइल का देश या घराना जिसमें था a person can fall especially a person who thinks he stands और एक व्यक्ति गिर सकता है खास रीति से ऐसा जो सोचता है कि मैं स्थिर हूं that is और इसका मतलब if a person thinks he is safe अगर, secured, अगर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो सुरक्षित है बचा हुआ है this, this, this तब हमें इस एंड वी यूजुअली डोंट पे मच अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पैसेज और खास रीति से कई बार हम इस वचन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते इफ यू थिंक यू आर स्टैंडिंग अगर तुम अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम स्थिर रूप से खड़े हो एंड दैट इफ यू थिंक यू आर इसका मतलब ये है अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो बचे हुए हो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल तब तुम्हें बड़ा सावधानी बरतनी है लेस्ट यू फॉर्म इसका ऐसा नहीं करोगे तो गिर जाओगे बिकॉज इट इज नॉट इन योर हैंड इफ यू आर नॉट केयरफुल क्यूँकी आपके हाथ में नहीं है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे

I know. मैं जानता और इसलिए कुछ ऐसे विश्वासी हैं कि मानो उन्हें सब कुछ पता है And that is what this verse means. और इसी इस वचन का यही मतलब है If some people think that he knows everything. क्योंकि कुछ लोगों को लगता है उन्हें सब कुछ पता है And the people who feel that way. Are usually the ones who do not know. और ऐसे लोग जो इस बात को महसूस करते हैं या मानते हैं ये ऐसे ही ज्यादातर लोग कुछ नहीं पता। and so, it is very important that we be careful about listening and taking the warning. और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम सुने चेतावनियों को लें और सावधान बने रहें इन कनेक्शन विद दिस इन गैलेतियों चैप्टर 6 वर्स 3 और इससे जुड़े हुए आइए हम गलीतियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय 6 चैप्टर 3 वर्स 3 सब से 6 वर्स 3 क्षमा करिए गलीतियों की पत्री छठा अध्याय उसका तीसरा वचन फॉर इफ एनीवन थिंक्स ही इज समथिंग व्हेन ही इज नथिंग ही डीसीव्स हिमसेल्फ क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है इग्नोरेंट पीपुलिस और ये ऐसे ही लोग हैं जो बड़ी हल्की रीति से जीते हैं, चेतावनियों को नहीं लेते वो इस प्रकार करते हैं एंड आई एम समिंग कि मैं कुछ हूँ एंड वाई सच पीपुल

And we need to be very careful about such kind of temptation. Or Paul, sabako never said, prakar never thought he never

क्योंकि अगर पिछली बीती हुई बातों को अगर हम याद करेंगे और उनसे अपने आप को जोड़े रखेंगे तो ये सबसे खतरनाक बात होगी एंड टर्न टू चैप्टर और आइए हम नीति वचन उसके अट्ठाईसवे नीति वचन की ओर जाएं। जाए अट्ठाइसवा वचन अट्ठाइसवा अध्याय और छब्बीसवा वचन It says here, um, whoever trusts in in his own mind is a fool, but he who walks in wisdom will be delivered. जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है और याद रखिये ज्ञानी पुरुष समझदार पुरुष कभी भी घमंडी नहीं होगा

वॉचफुल ध्यान रखिए आपको बाइबल ये भी कहता है God the proud. कि परमेश्वर जो घमंडी है उनका विरोध करता है या उनके विरुद्ध है मेरे भाइयों, बड़ा ही डराने वाला एक वचन है इफ गॉड बिगिंस टू रेसिस्ट अस अगर परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाए देन देयर इज नो होप फॉर तब it. हमारे लिए कोई आशा नहीं So never live your life in such a way that you will become a god resisted person. और इसलिए कभी भी अपने जीवन को ऐसे मत जिए कि परमेश्वर आपके विरुद्ध हो जाए And that is what Paul says. और इसी बात को पॉलुस कहता है Take the warning. कि चेतावनी को लो

तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको नो टूट इज नॉट कॉमन टू मैन गॉड not he will not let you be tempted beyond your ability but with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure it that is, that is the verse there, there is a way to escape

करें जिनके पास सांसारिक रूप से बहुत सारी हैं। And he has, but I don't have और उनके पास है लेकिन मेरे पास नहीं why is it और ऐसा क्यों you know, है all this kind of और, और इसलिए परीक्षा हर एक के लिए है You know the devil has not spared even our Lord Jesus Christ. और देखिए शैतान ने हमारे प्रभु यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा. In the in the midst of uh, Jesus's fasting and praying and being in touch with the heaven. और उस बीच जब यीशु मसीह उपवास प्रार्थना और स्वर्ग से जुड़ा हुआ था. That's the time the devil came tempting him. तभी वो शैतान आया ताकि उसकी परीक्षा ले सके. Remember that इस बात को याद रखिये यू यूनिवर्सलिटी टू मैच विद आप में खुद ऐसी कोई योग्यता नहीं कि आप शैतान का सामना कर सके बट यू अ फ्रेंड इन चीज लेकिन यीशु मसीह में आपके पास एक मित्र है the और जिसने हर एक परीक्षा का सामना किया है जितनी भी हो सकती है राइट इन द मिडिल ऑफ दिस स्पिरिचुअल हाइट और अपनी आत्मिक ऊंचाइयों के बीच में वेन ही वॉज द मोस्ट वेबल टाइम गोइंग थ्रू और जब ऐसे समयों में जब कोई भी बड़े ऐसे समय जब वो कमजोर था ऐसे समयों में परीक्षाओं से निकला उसने हमारे लिए उदाहरण को स्थापित किया no matter है। how big the vulnerability is, और ये मायने नहीं रखता की वो कमजोरी कितनी बड़ी क्यूँ ना हो यू डों उसके भीतर नहीं आना है बिकॉज देर इज हेल्प क्यूँकी एक सहायता आपके लिए उपलब्ध है That's what this verse gives. और यही बात ये हमें बताता है, है। But God has me help. लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है अपनी सहायता का। And so stand on God's और इसलिए परमेश्वर के वादे पर आप खड़े रहे you know, uh, trial is not sinful. और याद रखिए परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है God uses it as a way of purifying us. परमेश्वर इसका प्रयोग करता है ताकि हमें शुद्ध करने पाए तो रिमेम्बर दैट कृपया करके इस बात को याद रखिए इट्स गॉड अलाउस दैट्स हाउ वी आर टेम्पटेड और जब परमेश्वर अनुमति देता है तब हमारी परीक्षा ली जाती है। और परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है us. और वो वो हमें शुद्ध करना चाहता है। so शुद्धता को परिपूर्ण करके समाप्त करना चाहता है ताकि हम उसके जीवन की ओर बढ़ते और बदलते चले जाए नॉट अलर्ट लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे इट प्रयोग करता कर है That's how many fall into the temptation. और इसी कारण कई सारे पाप में गिर जाते हैं And to और उन परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए थिंग्सिवर्स मस्ट नो तीन ऐसी बातें हैं जो विश्वासियों को जाननी है थ्री ग्रेट ट्रू तीन बड़ी सच्चाइया नंबर वन पहला

परीक्षा में पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे व्हाट इज दिस ट्रूथ मीन इस सत्य का क्या मतलब है नंबर वन पहला नो टेम्पटेशन इज सुपर ह्यूमन याद रखिए ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जो मानव के उप, जो किसी ऐसे मानव के ऊपर आए जो विजयी हो नंबर टू दूसरी बात नो टेम्पटेशन इज यूनिक और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिल्कुल खास और अलग हो सो दैट यू कैन से ओ आई सेम दी वन इज गोइंग थ्रू दिस ताकि आप temptation. ऐसा कह सके कि अरे मैं ही सिर्फ एक ऐसा हूँ जो इससे होकर निकलता है नंबर थ्री तीसरी बात नो टेम्पटेशन इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू हैंडल ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो मान मानव के सहने से परे है एंड नंबर चौथी बात नो टेम्पटेशन इज टेरिफाइंग इन एनी सेंस और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो भयानक हो बड़ी उत्पीड़न वाली हो अपने उसमें इफ यू रिम्बर दिस थ्री अगर आप दिस फोर थिंग अगर आप इन चार बातों को याद रखेंगे एंड यू कैन बी स्ट्रॉन्ग परीक्षाओं का सामना करने में. What does all these things mean? इन सारी बातों का मतलब क्या है एवरी सिंगल टेम्पटेशन दैट अटैक्स द बिलीवर इज कॉमन टू ऑल मैन और हर एक वो परीक्षा जो एक विश्वासी के ऊपर आती है या उस पर आक्रमण करती है वो हर एक मनुष्य के लिए के ऊपर आता है ऑल मैन फेस द सेम टेम्पटेशन हर एक मनुष्य उसी परीक्षा से होकर के निकलता है बट नाउ दिस मींस अ वंडरफुल थिंग और इस बात का एक बड़ा अद्भुत मतलब है सम हैव फेस्ड एंड ओवरकम देम कुछ ने उसका सामना किया और उससे विजयी होकर के निकल गए एंड यस मेनी फेल एंड केव्ड इन लेकिन कई ऐसे भी थे जो उस गिरे और उसके अंदर आ गए बट uh, मेनी हैवDemonstrated विल एंड एनर्जी टू ओवरकम इट लेकिन कईयो ने उस इच्छा शक्ति को उस शक्ति और सामर्थ को दिखाया ताकि वो विजयी ठहरने पाए लुयाट मीन और इसका क्या मतलब है एक ऐसा स्रोत है जिसे हम हमेशा जिसकी ओर हम जा सकते हैं और अपने सामर्थ्य को उससे पा सकते हैं

उसने हर एक प्रकार की परीक्षा का सामना किया है और उनको हरा कर उन पर विजय हुआ है और यहाँ पर यीशु एक मानव हमारे लिए उदाहरण को स्थापित करता है एंड और दूसरी बात गॉड इज फेथफुल परमेश्वर विश्वास योग्य है इट मींस गॉड नो व्हाट वी कैन बे और इसलिए इसका मतलब यह है परमेश्वर ये जानता है कि कितना हम सह सकते हैं हाउ मच वी कैन बे और कितना हम सह कर निकल सकते हैं इज अ गुड न्यूज फॉर एवरी और हमारे लिए किया सबके लिए एक सुसमाचार है ही नोज माई कैपेसिटी टू बी स्टैंड उस माप को जानता है कि मैं कितने सीमा तक उससे होकर के निकल And सकता आई एम एबल टू बी स्टैंड की कैसी परीक्षाओं का सामना मैं कर सकता हूं And या हूँ एनीथिंग बियॉन्ड और उससे उससे ज्यादा की अनुमति कभी भी नहीं देगा कि हम ही करेंट एवरी विद इन आवर लिमिट वो हर एक परीक्षा को हमारी सीमा के भीतर कर देता है आवर लिमिट इट और हमारी सीमा के भीतर ताकि हम उस पर विजय या जयवंत हो जाए so और इसलिए पॉलिस यहाँ पर यह दिलाता है कि ये परमेश्वर विश्वास योग्य है he knows me, वो मुझे जानता है और वो जानता है कि किन प्रकार की परीक्षाओं सच में मेरा विनाश कर सकती है मुझे नीचे गिरा सकती है no, he will not allow that लेकिन ऐसी परीक्षाओं अनुमति वो मेरे But जीवन में नहीं देगा लेकिन हमेशा चेतावनी you, को live lives, अगर आप या परमेश्वर के जीवनों को जीना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा ली जाएगी But don't be लेकिन आप डरिए मत जीसस। uh, uh, अपनी आंखों को यशु की ओर लगाइए यू आर माई हेल्प और कहिए तू मेरी सहायता है। यू आर माई स्ट्रेंथ और तू ही मेरा शक्ति है यू आर माई जॉय और तू ही मेरा आनंद है यू आर माई विक्टोरिया और तू ही मेरा विजय है एंड आई टू बी विक्टोरियस और मैं जयवंत होना चाहता हूँ आई विल बी विक्टोरिया और मैं वो विजयी होंगे नॉट इन माई ओन स्ट्रेंथ अपनी शक्ति में नहीं थ्रू जीसस क्राइस्ट लेकिन ये शु के द्वारा हु स्ट्रेंथेंस मी जो मुझे सशक्त बनाता है चैप्टर वर्स और पहला कुरंथियो उसका पहला अध्याय नवावचन पहला पहला अध्याय नवावचन गॉड इज फेथफुल बाई द फेलोशिप ऑफ Jesus जीसस क्राइस्ट Lord। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है

for the eyes of the lord run to and fro throughout the world, whole world to give strong support to those whose heart is blameless toward him you have done foolishly in this for from now on you will have wars देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निश्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए तूने ये यह काम मूर्खता से किया है इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा अगेंस्ट गॉड्स प्रिंसिपल और राजा आसा ने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर के सिद्धांतों के विरुद्ध था And, uh, This is a rebuke from the Lord. और परमेश्वर ने इस प्रकार उसे डांटा फटकारा For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole. That means He watches every one, every human being. और इसका मतलब ये है कि वो हर एक को देखता है, हर एक मनुष्य को देखने वाला परमेश्वर. No matter where you live. और ये मायने नहीं रखता आप कहाँ रहते हैं. He knows where you. Are. वो जानता है आप कहाँ हैं. He knows your name. वो आपके नाम को जानता है. री केयरफुल uh, so very, very और इसलिए हम बड़े सावधान हो जाए एंड थर्डली और तीसरी बात गॉड प्रोवाइड परमेश्वर उस मार्ग का उपाय भी करता है की हम बच सके ही ऑलवेज मेक्स एन स्केप पॉसिबल फॉर गॉड्स पीपल वो हमेशा एक मार्ग को तैयार करता है ताकि परमेश्वर के लोग बच सके is An escape route। और जिसे हम कहते हैं बचने का रास्ता Way out of temptation। और परीक्षा से बाहर निकलने का He gives us the strength and energy to walk through अन ओवरकम टेम्पटेशन और वो हमें शक्ति देता है हमारा मार्गदर्शन करता है ताकि हम उन परीक्षाओं में से होकर उनसे बाहर निकल जाएं as we close this study tonight, और जैसे कि आज की शाम हम इस अध्ययन को समाप्त करते हैं प्लीज नोट डाउन दीस रेफरेंसेस कृपया करके इन वचनों को आप लिख लीजिए लुक चैप्टर 10 वर्स 9 19 लूक आराधना के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 19वां वचन टू वर्षीन और इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय अठारवा वचन जेम्स चैप्टर फोर वर्ष सेवन और याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय सातवा वचन आई से थर्टी वर्स ट्वेंटी वन और यशिया नबी की पुस्तक उसका तीसवा अध्याय और इक्कीसवा वचन And I said, chapter 42, verse 16, और मुझे पूरी आशा है की आप सबने इन वचनों को लिख लिया है it is very for you to read if, for ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए की आप इन वचनों को लिख कर इन्हे अपने आप पढ़ी अपने लिए सोलरस so, रीड ऑन टू वर्ष और आइए इनमें से एक दो वचनों को हम पढ़े और इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और अट्ठारवा वचन चैप्टर टू वर्स एटीन क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है And then chapter, uh, James chapter 4. उसके बाद याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय फोर उसका चौथा वचन इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा वॉट बिलीवर्स नीड टूडे और आज के दिन विश्वासियों को किस बात की आवश्यकता पावर कि वो लड़े उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। जाए नॉट आस्किंग आई विल कम एंड रेसिस्ट फॉर यू और परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि मैं आकर के तुम्हारे लिए खड़ा होगा और या उसका विरोध करूंगा बट द बाइबल से You resist resist and I must resist the devil. और बाइबल ये कहता है कि आप ऐसा करिए और मुझे भी ऐसा ही करना है it, it is, it is not simply praying, Lord, ऐसा नहीं है कि ऐसा कहें परमेश्वर इस समय में आप मेरा सहायता करिए you know sin? और आपको पता है ये शैतान आपको परीक्षा में ला रहा है ताकि किसी रीति से आप पाप करें। and if you know that is sin, then you say no. और अगर आपको पता है कि वो बात पाप है तो आप कहिए उसके विरुद्ध खड़े हो जाइए और ना कहिए डेवल और कहिए शैतान। कि तू एक झूठा है और मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा और तू जाथरिटी द अस और ये वो अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और इसलिए हमें हमेशा शैतान का सामना करना है a testing may come from God, हो सकता है एक परीक्षा परमेश्वर की ओर से But आए। a temptation is always from the devil. लेकिन याद रखिए वो जाल जो आता है वो बहेलिए की ओर से या शैतान की ओर से आता A testing is necessary in order to strengthen our faith. And in order to make a stronger believers. लेकिन परीक्षा लिया जाना तो जरूरी है ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो और एक विश्वासी के रूप में हम खड़े हो जाए जस्ट लाइक यूजिंग और याद रखी ऐसी समान है की एक डॉक्टर या एक सर्जरी करने वाला डॉक्टर एक छुरी को ले but, uh, and also, A a साथ प्रयोग कर सकता है नाइफ और दोनों ही छुरी का प्रयोग कर रहे हैं बट अफ ऑफ अ सर्जन कट एंड देर इज ब्लीडिंग और एक जो डॉक्टर है उसका जब छुरी काटेगी तो वहां खून होगा बट अ रॉबर ऑल्सो लेकिन साथ ही साथ देखिए चोर भी छोरी का प्रयोग कर आपको काटेगा और खून निकलेगा वाट इज द डिफरेंट लेकिन अंतर क्या है सर्जन कटिंग एंड ब्रीडिंग इज फॉर द पर्पज ऑफ हीलिंग यू एंड रिमूविंग वट इज डेजिंग यू एक डॉक्टर का आपको काटना वो और आपका खून बहना वो इसलिए है ताकि वो आपको बचा सके आपको चंगाई मिले और ऐसी बातों को शरीर से दूर कर दे जो सही नहीं है लेकिन एक चोर भी छुरी का प्रयोग करता है you, वो आपको काटता है और बहुत सारा खून निकलता है खिलिंग और ये इसलिए है ताकि आपको मार दे यू आर डिस्ट्रॉइड और आपका विनाश कर दे That's the और यही अंतर है A और इसलिए परीक्षा लिया जाना तो जरूरी है to heal us, ताकि हमें चंगा किया जाए टेमेशन इज फॉर डिस्ट्रॉइ लेकिन याद रखिए एक जाल इसलिए लाया जाता है की आपका विनाश किया जाए so don't yield yourself, और इसलिए खुद को इन बातों में ना दीजिए लेकिन शैतान का सामना कर द्वारा और वो शैतान भाग जाएगा वी नीड दिस

परमेश्वर का वचन आपको सशक्त बनाए और आपको बदलता जाए स्ट्रांग और आपको शक्तिशाली स्पिरिट ऑफ गॉड पवित्र आत्मा वचन के लिए धन्यवाद हमें सिखाने के लिए ते तेरा वचन हम में बना रहने वर्ड स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस बाय द होली स्पिरिट दट बाय दर्ड ऑफ गॉड We may overcome the devil. दे तेरा पवित्र आत्मा हमें वो दर्शन हमें वो सशक्त सामर्थ्य दे ताकि तेरे दर्शन के द्वारा हम आगे बढ़े nice इस रात्रि के आराम का आनंद आप उठाएं और अच्छे से लेकिन इससे पहले कि जब तक आप परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी आराधना करें पहले सोइए। परमेश्वर काशी शब्द सबके ऊपर हो आमेन आमेन